Welcome back to my channel. Today we are going to make patra. Patra is made using arbi ke patte or also called taro leaves or colocasia leaves. So let me tell you some of the benefits of arbi ke patte. First, good source of vitamin A. Second, boost immune system. Third, maintains a healthy heart. Fourth, prevents from cancer. Fifth, maintains healthy digestive system. And sixth, helps in weight loss. This recipe will be continued by my mom. हेलो एवरीवन, ये किचन गार्डन से मैं अरबी के पत्ते लेकर आई हूँ। उसे वॉश कर रही हूँ और इसकी गांठे वगैरह हम अच्छे से सब निकाल देते हैं, इसको धो लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं। ये पत्ते मेरे बहुत सॉफ्ट हैं, घर पे लगाए हुए हैं तो आप भी इसे उगा सकते हैं। देखिए एक बार और इस तरीके से चक्कू से हम इसे निकाल लेते हैं। आप अरबी की जो गांठे रहती हैं वो लेकर आइए और बस ज़मीन में लगा दीजिए और बराबर से पानी देते रहिए तो आपको हर साल अरबी के पत्ते और अरबी मिलेगी। तो ये देखिए मैंने सब साफ कर लिया है। इसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। एक कप बेसन लिया है, उसमें आधी चम्मच चीनी डाली है, आधी चम्मच नमक डाला है, आधी चम्मच मिर्च डाली है, हल्दी और जीरा भी डाला है 1/4 चम्मच, और थोड़ा 3-4 चम्मच पानी डाल के मैंने इसे अच्छे से बैटर कर लिया। ये देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और ये जो पत्ता है इस पर हम इसे स्प्रेड कर देंगे। आपका अगर बहुत पतला होगा तो बेसन इस पर लगेगा नहीं और बहुत गाढ़ा होगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मेरे पत्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो मैं 2 से 3 लेयर्स भी लगा सकती हूँ, पर अगर आपका पत्ता अगर हार्ड है तो आप एक ही पत्ते को 2 पीस करिए और उस पर बेसन स्प्रेड करके उसे रोल कर दीजिए। देखिए एक और पत्ता मैंने उस पर रख लिया है, बेसन स्प्रेड कर देते हैं और हम इसे हमें रोल कर देते हैं। चीनी हम इसलिए डालते हैं कि हमारा गला इससे नहीं लगता है, वरना कई बार अरबी के पत्ते खाने से गला खराब हो जाता है। तो ये मैंने जिस बाउल में स्टीम लेना है मैंने उसमें रख दिया है। ये मैं एक और रोल करके बता रही हूँ। ये सारे हम इस बर्तन में रख देते हैं जिसमें हमें स्टीम लेना है, और अब हम स्टीमर को रख देते हैं गैस पे। ये मैंने इडली का स्टैंड लिया है, इस पे ये जाली लगाई है जिसमें से पानी आपका ऊपर स्टीम आ सके, और इसे मैं रख देती हूँ 10 से 12 मिनट तक। और मैंने इसमें 1 ग्लास पानी भी अंदर नीचे डाला था। तो ये देखिए अच्छी स्टीम हो गई है और हम चेक कर लेते हैं 12 मिनट के बाद ये पक गया कि नहीं। देखिए चक्कू बिल्कुल साफ आ रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल रहा है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है और अच्छे पक गया है, तो बिल्कुल अच्छे से आसानी से निकल गया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी टेस्टी लगता है, पर मैं इसे 1-1 सेंटीमीटर के पीसेस करके कढ़ाई में तेल रख दिया है 2 चम्मच, और मैं इसे 2-2, 3-3 करके क्रिस्प कर लूँगी क्योंकि मुझे क्रिस्पी टेस्टी लगते हैं। तो हम इसे क्रिस्प बना लेते हैं और मैं ऐसे 3-4 करके ही तल के ये जो तेल बचेगा इसी में हम इसका बाकी का बघार लगाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेल ना रखें। ये देखिए ऐसे मैं सभी तैयार कर लेती हूँ। अब जो बचा हुआ तेल है उसमें हींग, जीरा, राई और 1 चम्मच सौंफ, 1 से 1.5 चम्मच तिल डाल देते हैं और इसे अच्छे से सौतर कर लेते हैं ताकि ये फूटने लगे। उसके बाद हम जो ने तल के रखे थे पात्रे वो सारे इसमें हम डाल देंगे। हम बघार इसलिए लगाते हैं ताकि इस पे सारा मसाला चिपक जाए और वो टेस्ट अच्छा फ्लेवर दे। ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची आप मैंने लंबी लंबी कट कर ली है। आप और भी ज़्यादा टेस्ट चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ये सब मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करके अब बाकी के मसाले भी हम इसमें डाल लेते हैं। आधी चम्मच नमक, क्योंकि हम सब मसाले पहले डाल चुके हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें आधा आधा चम्मच डाले हैं। तो ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसमें अब मैं 2 चम्मच खोपरा बूरा भी डाल देती हूँ, डेसिकेटेड कोकोनट,
तो ये देखिए तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इस पे नींबू छिड़क कर और टेस्टी चटपटा चाहिए तो थोड़ा सा जिरावन डाल दीजिए।